ये देख सकते हैं इस तरीके से कुकर में बनाया जा रहा है देसी स्टाइल का मटन। क्या क्या डाले हैं अभी इसमें? इसमें खड़ा गरम मसाला डाले हैं, प्याज डाले हैं, अभी हम सूखा मिर्चा डालेंगे और तेज़पत्ता डालेंगे, जितना भी खड़ा चीज़ डालेंगे। इधर जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्पेशल सा डिश बनवा रहे हैं हम लोग मटन का। ये है, ये क्या भैया? मटन दम कबाब। मटन दम कबाब है, मटन दम कबाब। अच्छा, और आप आए हैं मुंबई से इसको सीख के? हाँ जी, बम्बई से आया हूँ, अंधेरी से। चिकन के अलावा और इसमें कुछ अभी तक यूज़ हुआ नहीं और सिर्फ चिकन का ये सीख कबाब जो है बनता है। तो बहुत दिन से हम लोग लगातार स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर कर रहे थे, बहुत दिन हो गया था किसी रेस्टोरेंट में गए हुए या किसी कैफ़े में गए हुए। लोग भी पूछ रहे थे कुछ नया रेस्टोरेंट या किसी नए कैफ़े को कवर कीजिए। फाइनली आज एक बहुत ही बढ़िया सा जगह मिला और वो भी कंकर बाग में। कंकर बाग में अभी तक हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर किए नहीं थे, तो बस आप पहुँचे हैं एक ब्रांड न्यू से जगह को एक्सप्लोर करने जिसका कि नाम है ड्रैगन एक्सप्रेस। कंकर बाग में कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल के बिल्कुल अपोजिट में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो डाल देंगे, एग्जैक्ट लोकेशन का बहुत सिंपल सा वैसे लोकेशन है। कॉलोनी मोड़ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आता है पीपल्स कोऑपरेटिव हॉल और बिल्कुल उसके सामने ये मिल जाएगा ड्रैगन एक्सप्रेस। शाम का टाइम है जो बाहर में थोड़ा सा स्ट्रीट फूड का कुछ ऑप्शंस भी यहाँ अवेलेबल है, मोमोज वगैरह। अंदर में आप टेक अवे वाला काउंटर देख सकते हैं और ऊपर में जो है वो फाइन डाइन एरिया है, वहाँ बैठ के आप खा सकते हैं। और ये ड्रैगन फ्लेम्स का ही ब्रांच है, ड्रैगन फ्लेम्स हो गया या ओल्ड मॉन्क हो गया, ये उसी का एक समझिए कि एक्सटेंडेड वर्जन है। ओल्ड मॉन्क हम लोग जा चुके हैं, वहाँ के खाने से वाकिफ़ हैं। ड्रैगन फ्लेम्स का भी चाइनीज़ हर कोई जानते हैं कितना सही होता है, तो बस यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी वही डिशेज है, यहाँ का भी वही रेसिपी है। चाइनीज़, इंडियन और तंदूर, तीन डिफरेंट वेराइटीज़ आपको मिलने वाला है। चलते हैं अंदर, देखते हैं थोड़ा यहाँ का माहौल, खाते हैं, स्वाद खा के आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है हमारा बन रहा है बारबेक्यू विंग्स। ये देखिए, ये चिकन को लाया गया वॉश करके और ऊपर से जा रहा है एग। जी, एक अंडा डाल रहे हैं, एग डाल रहे हैं, डाल देते हैं थोड़ा सा, ये गया ब्लैक पेपर। जी, ब्लैक पेपर, ये थोड़ा सा सॉल्ट, और नेक्स्ट इसे ऐसे मिक्स किया जाएगा। इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप चिकन को, भैया डबल फ्राई करते हैं? जी, डबल फ्राई करते हैं, ये एक ही बार में इसका नहीं होता है इसलिए डबल फ्राई होता है। तो अब जो चिकन हमारा है डबल फ्राई हुआ, और बहुत अच्छा चीज़ ये लगा कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस किए उसके बाद सारा काम स्टार्ट हुआ, पहले से फ्राई करके रखा नहीं गया था। तो ये ठक ठक का आवाज़ आ रहा है, ये बन रहा है हमारा चिकन नूडानी सीख कबाब। ये चिकन का जो कीमा है वो रेडी किया जा रहा है, तो फ्रेशनेस आप देख सकते हैं, जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया गया जो कीमा है उसे रेडी किया जा रहा है। और इधर जो बारबेक्यू विंग्स का सॉस है उसे रेडी किया जा रहा है। उससे पहले गया ये रिफाइंड ऑयल। जी, रिफाइंड ऑयल, क्रस्ट पेपर है ये, जो क्रश करके रखते हैं हम लोग इसको। अच्छा, क्रश किया हुआ पेपर है। गार्लिक और जिंजर है, ये गार्लिक और जिंजर। नेक्स्ट गया ये थोड़ा सा चॉप्ड अनियन, ब्राउन करके, ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। और बहुत अच्छा है, जो बर्नड गार्लिक का फ्लेवर है वो आने लगा, जो एरोमा है वो आने लगा है। ये गया आप लोग अपना बनाया हुआ चिली पेस्ट, हम लोग इसको यहीं से रेडी करते हैं डाल के। अच्छा, अब इसमें जाएगा बारबेक्यू सॉस, ये अच्छा वाला है, तो इसका है पानी डाल देंगे। नेक्स्ट गया सोया सॉस। जो चिकन है ये डबल फ्राई अब हो चुका है और अब ये जाने वाला है इस पैन में। नेक्स्ट गया थोड़ा सा धनिया पत्ता, जो कि बहुत मैंडेटरी है अगर आप इंडिया में चाइनीज़ खा रहे हैं तो। इधर जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्पेशल सा डिश बनवा रहे हैं हम लोग मटन का। ये है, ये क्या भैया? मटन दम कबाब। मटन दम कबाब है, मटन दम कबाब। अच्छा, और आप आए हैं मुंबई से इसको सीख के? हाँ जी, बम्बई से आया हूँ, अंधेरी से। 15 साल आप बता रहे थे कि मुंबई में काम किए हैं? हाँ जी, बम्बई में काम किया था। तो इसमें क्या डाले हैं? ये जो वाइट वाला जो मसाला है ये क्या है? इसमें चीज़ है, क्रीम है, बटर है और दही है। चीज़, क्रीम, बटर और दही? दही। अच्छा, बाकी सब मसाला है इसमें। तो अब क्या करने वाले हैं? इसको तंदूर में डालिएगा? अभी तंदूर में डालेंगे हम। हाँ? उसको दम लगाना है। अच्छा, इसको पहले रोस्ट करेंगे। हाँ? रोस्ट करने के बाद उसमें चीज़, मसाला, ये सब जाके उसमें दम लगेगा। तो इधर जो यहाँ का स्पेशल सा मटन दम कबाब है जिसे हांडी में सर्व किया जाता है, ये गया तंदूर में। नेक्स्ट इधर बन रहा है जो आपको कीमा दिखाए थे बनता हुआ, उस कीमा का बनने वाला है, ये क्या है? नूरानी सीख कबाब ना? चिकन नूरानी सीख कबाब है, धनिया पत्ता और शिमला मिर्ची, कांदा, ये सब जाएगा। अभी पूरा गरम मसाला, किचन किंग मसाला, ये सब पूरा जाएगा। धनिया पत्ता गया, शिमला मिर्च गया, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, और क्या क्या डाले? बहुत कुछ डाल दिया। अच्छा, अब गया चाट मसाला। चाट मसाला डाले हैं, अभी काला नमक डालना है बाकी है।
इतना सारा अलग अलग मसाला डलता है? हाँ जी। अब फिर से कुछ और मसाला जो है वो गया इस चिकन कीमा में, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला गया। अभी सीख में लगेंगे, ये रेडी हो गया, अब इसको सीख में लगाना है। सीख में लगाना है सिर्फ। इधर जो है ये लग रहा है चिकन नूरानी सीख कबाब, और कोई भी बाइंडिंग एजेंट का आप यूज़ नहीं किए हैं? नहीं जी, चिकन के अलावा और इसमें कुछ अभी तक यूज़ हुआ नहीं, और सिर्फ चिकन का ये सीख कबाब जो है बनता है। तो हमारा मटन दम कबाब था, ये रेडी हो गया है, टोटली रेडी नहीं हुआ अभी, बस 50% रेडी हुआ है। अभी इस कबाब में लगेगा दम। आप आमतौर पे बिरयानी में दम लगते हुए सुने होंगे, बट आज इस कबाब में भी दम लगने वाला है। गया थोड़ा सा चीज़, अब जा रहा है थोड़ा सा क्रीम इसमें। अच्छा, अब दम का जो मसाला था वो जाएगा जी। इसमें मसाला डाल दिए हैं। ये क्या हो गया? बटर। हाँ, बटर, बटर डाल दिए, उसके बाद मटन हम डाल देते हैं। अब इसमें गया ये मटन, इसमें अभी हम पैक कर रहे हैं इसमें मटन दम के लिए। और अब ये जाने वाला है इस भट्टी में, और इसमें ये मटन कबाब जो है इसमें लगेगा दम। तो बाकी का जो हमारा स्टार्टर है वो बन रहा है, बट भूख बहुत लग गया था, टेबल पर आ गए, और ये जो चिकन बारबेक्यू विंग्स है ये देखने में कुछ ज़्यादा ही टेम्पटिंग लग रहा था, तो सोचे कि एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। तब तक जो बाकी का हमारा स्टार्टर है वो भी बन ही जाएगा। 260 रुपीज़ प्राइस है, 6 पीस मिलता है, और आप बनते हुए सारा प्रोसेस जो है वो देखें। तो एक पीस को लिया जाए और फटाफट से इसे टेस्ट किया जाए। जितना ज़्यादा टेम्पटिंग आपको देखने में लगा है उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है ये, बहुत सही। वाह, चिकन जो है अच्छे से फ्राइड, ऊपर का जो कोटिंग है चिकन का बहुत अच्छे से फ्राई किया गया, डबल फ्राई हुआ है। बारबेक्यू सॉस जो यूज़ किया गया है उसका एक डोमिनेटिंग सा फ्लेवर आ रहा है सर। ये सॉसी साइड नहीं है, ये हल्का सा आपको ये तीखा लगने वाला, मतलब वो मीठा वाला चीज़ नहीं है इसमें। टोमेटो सॉस कभी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया, मज़ा आएगा खा के, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ख़त्म करते हैं और इंतज़ार करते हैं हमारे बाकी के स्टार्टर्स का। तो इधर जो हमारा स्टार्टर का स्प्रेड है वो लग चुका है, और ये देखिए, ये है सबसे पहले चिकन, सॉरी ये है मटन दम कबाब। काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा मेकिंग वेकिंग आपको दिखाए हैं, देख के लग रहा है कि थोड़ा क्रीमी साइड ये रहने वाला है, खा के असली स्वाद जो है पता चलेगा। प्राइस है 340 रुपीज़, 6 पीस मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री साथ में मिलेगा ये आपको कॉकटेल सैलेड। ये भी कुछ अलग सा चीज़ लगा है, आमतौर पे वो नॉर्मल सा प्याज व्याज दे देते हैं, बट ये यहाँ अलग से कॉम्प्लीमेंट्री कॉकटेल सैलेड भी मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं चिकन पे, ये हो गया चिकन नूरानी सीख कबाब। प्राइस है 260 रुपीज़, क्वान्टिटी आपके सामने है, और इसके साथ भी उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सैलेड मिलता है। अब आते हैं इधर हम लोग, ये हो गया स्पेशल यहाँ का प्रॉन्स DX स्पेशल प्रॉन, ड्रैगन एक्सप्रेस स्पेशल प्रॉन, क्वांटिटी सामने है, प्राइस है 400 रुपीज़। और यहाँ का मोमोज़ का भी काफ़ी तारीफ सुन रखे हैं, जो ड्रैगन फ्लेम्स है वहाँ का मोमोज़ हम लोग खाए भी हैं, बहुत सही होता है, इसलिए एक मोमोज़ का भी डिश लिए हैं। ये है हॉट गार्लिक मोमोज़, प्राइस है 180 रुपीज़, क्वान्टिटी काफ़ी सही सा लग रहा है। मोमोज़ का जो साइज़ है ये भी बहुत बड़ा है। तो अब करते हैं टेस्ट और बताते हैं कि इन सब में से आज का जो हासिल है महफिल है स्टार्टर्स में वो क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सा डिश था प्रॉन्स, उसे ट्राई करते हैं। सच में बहुत स्पेशल सा डिश है, और इधर आप देख सकते हैं कि काजू वाजू का भी यूज़ किया गया है, बैलेंस साइड टेस्ट है, ना बहुत ज़्यादा मीठा ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी, सही सा स्वाद है, बहुत अच्छा लगा। ये तो पहले एक और ट्राई करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉन्स लवर हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं मटन पर, आज बेचारे इस मटन से हम लोग दगाबाजी कर दिए, आमतौर पे कहीं भी सबसे पहले मटन खाते हैं, आज चले गए प्रॉन्स के पास। और आमतौर पे हम लोग कोई मटन का डिश या स्टार्टर वगैरह खाते हैं तो हल्का वो मसालेदार होता है, स्पाइसी होता है, बट ये कुछ अलग खा रहे हैं, पहली बार इस तरीके से कोई क्रीमी मटन का कबाब खा रहे हैं, और ये मटन बहुत सॉफ्ट लग रहा है। ये देखिए ऐसे ईजिली मटन अलग हो गया, तो सॉफ्टनेस के जो का जो टेस्ट है उसमें तो टोटली पास होता है। कुछ अलग है जो आम तौर पे हम लोग खाते हैं या सर स्टार्टर खाते हैं,
हल्का सा उससे हट के मैरिनेशन में जो अपना मसाला यूज किया था उसमें हल्का सा खटास है, जो कर्ड वगैरह यूज़ किया गया था उसका हल्का सा खट्टापन आपको लगेगा, और ओवरऑल इसे ठीक कहेंगे हम, बहुत वाव नहीं कहेंगे ये वाले स्टार्टर को मटन का, ठीक है, क्योंकि हम लोग को आदत है मटन जब भी आता है तो हल्का सा मटन के साथ जो स्पाइसी वाला जो स्वाद है वो जुड़ा रहता है, तो ये कुछ अलग लगा इसलिए इसे हम एवरेज कैटेगरी में रखेंगे। अब ट्राई किया जाए चिकन सीख कबाब को। ये बहुत सही, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ का यूज़ किया नहीं गया है, प्लेन चिकन का फ्लेवर आएगा आपको, मतलब आमतौर पर जो सीख कबाब है बहुत ज़्यादा उसमें ऊपर से वो बाइंडिंग एजेंट को यूज़ कर देते हैं जिससे कि जो चिकन का कीमा है वो होल्ड कर सके, यहाँ वो सब कुछ नहीं यूज़ किया गया है, बहुत सही सा स्वाद आया, बहुत बढ़िया, सिंपल चिकन है, प्याज है, शिमला मिर्च है और जिनका अलग अलग मसाला है, सबका एक मिश्रण है, बहुत अच्छा स्वाद। नेक्स्ट ट्राई करते हैं अब हॉट गार्लिक मोमोज़ को, बहुत साइज़ मोमोज़ का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो पीस कहने के लिए 8 है बट ये 8 नहीं, ये 16 पीस है। बहुत सही, हल्का मिठास है इसमें, जो हम लोग हॉट गार्लिक वाला लिए थे हल्का सा उसमें मिठास है, अगर आपको स्पाइसी वैसी खाना है तो आप सजवान मोमोज लीजिएगा वो ज़्यादा बेटर लगेगा, बट अंदर का जो फीलिंग है बहुत फ्रेश बहुत बढ़िया। अब ख़त्म करते हैं इन सारे स्टार्टर्स को, फिर बनवाएंगे चल के मेन कोर्स, वो खाएंगे और उसका स्वाद आपको बताएंगे। हम लोग वापस से आ चुके हैं किचन में और यहाँ बन रहा है देसी मटन, ये देख सकते हैं इस तरीके से कुकर में बनाया जा रहा है देसी स्टाइल का मटन। क्या क्या डाले हैं अभी इसमें? इसमें खड़ा गरम मसाला डाले हैं, प्याज डाले हैं, अभी हम सूखा मिर्चा डालेंगे और तेज़पत्ता डालेंगे, जितना भी खड़ा चीज़ डालेंगे। अच्छा। देसी मटन का और इसमें कसूरी मेथी भी डाला गया जी, कसूरी हल्का काला काला दिख रहा है जी, कसूरी मेथी डाला गया, कसूरी मिर्चा, किचन किंग, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर जो हम लोग अपना बनाते हैं नेचुरली उसका बनने जा रहा है, वो अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिए हैं इसमें, ओनियन डाले हैं, तो हमारा बस थोड़ा देर इसको कुक करके फिर 2-3 सीटी मार देंगे इसको, तो देसी मटन आपका रेडी होने हो जाएगा। तो ये कुकर में ही बनता है जी? कुकर में भी बनता है, जैसे हम लोग 4 किलो 5 किलो तो हम लोग डेक्ची में बनाते हैं। अच्छा। अब जैसे 4 प्लेट 5 प्लेट का ऑर्डर जैसे कि बनाना, 10 प्लेट का ऑर्डर बनाना, तो कुकर में हम लोग बना लेते हैं सर। अच्छा, अभी इसमें आधा घंटा का समय लगेगा जी, आधा घंटा समय तो लगेगा। इधर जो देसी मटन है शेफ रेडी हो गया जी? हाँ रेडी हो गया, इसमें हम धनिया ऐड करेंगे, बस सर्व करेंगे हम लोग। धनिया ऐड करने के बाद पूरा पूरी तरह से रेडी हो चुका है ये। इसका कलर जो है थोड़ा रेड नहीं लग के थोड़ा येलोइश टाइप का लग रहा है जी? नहीं, सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है, कोई हल्का रेड में देते हैं, कोई हल्का येलो टाइप में देते हैं। आपका तो रेड चिली वगैरह कम यूज़ करते हैं, कलर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते हैं? कलर वगैरह नहीं यूज़ नहीं करते हैं। ये हम बनाने जा रहे हैं चिकन पटियाला, ठीक है, ये चिकन पूरा चिकन कीमा है और थोड़ा सा ऐड हल्दी ऐड किए हैं इसमें, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड किए हैं, हल्का चिल्ली पाउडर ऐड किए हैं। तो ये जो चिकन कीमा इसमें पहले से ही मसाला था, अब ये थोड़ा सा ऊपर से गया है? जी पहले से मसाला था, बराबर ऊपर से है, और उसमें हम डालेंगे अभी टमाटो ओनियन का चॉप मसाला। तो ये आप लोग का मतलब यहाँ का सिग्नेचर डिश है? सिग्नेचर डिश है, इसमें थोड़ा सा ओनियन चॉप मसाला डालेंगे, हमने ऑलरेडी बना के रखे ओनियन टमाटो चॉप मसाला इसको तो बोलते हैं। अभी बन रहा है हमारा यहाँ का जो सिग्नेचर डिश है चिकन पटियाला, और इस तरीके से जो चिकन कीमा है वो आप देख सकते हैं, मसाला डाला, बटर का फ्लेवर में तड़का लगाया गया है इसको। अच्छा अच्छा, हाँ बटर का तो आ रहा है, खुशबू आ रहा है बटर का जी बिल्कुल। हम इसमें कोरिएंडर ऐड कर दिए हैं और इसको हम रोल बनाएंगे इसका। ये जो बेस है ये किस चीज़ का हो गया? ये ऑमलेट है जी, ये ऑमलेट है, अंडे का ऑमलेट है और चिकन कीमा हो गया, उसके ऊपर हम दो तरह का ग्रेवी डालेंगे, एक रेड ग्रेवी एक स्पाइसी में रहेगा, एक वाइट ग्रेवी और स्वीट एंड साल्ट में रहेगा। अच्छा, इस तरीके से देख सकते हैं कि इसे रोल किया गया, बिल्कुल जो एग रोल खाते हैं उस तरीके का है। डिफरेंस यही है कि एग रोल में आपको मिलता है ब्रेड और यहाँ जो है ये ऑमलेट के अंदर स्टफिंग किया गया। अब इसे इस तरीके से कट किया जाएगा। हम
इसमें हम करेंगे इसको एक स्पाइसी ग्रेवी रेड में बनाएंगे, एक वाइट ग्रेवी बनाएंगे स्वीट एंड साल्ट में। अच्छा, अभी ग्रेवी वगैरह बनाना है? बनाना है। अच्छा, इसी के नाम में थोड़ा सा चॉप मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम जो कि अपना ग्रेवी बना के रखे हुए हैं रेडी। तो ये जो चिकन कीमा आप देख रहे हैं, इसी में दो डिफरेंट तरीके का जो ग्रेवी है वो बनाया जा रहा है। टमाटो प्यूरी है। अच्छा, ये टमाटो प्यूरी है, थोड़ा वाइट ग्रेवी टच करेंगे। टमाटर है, ये हो गया वाइट ग्रेवी। ये किसका? काजू मगज का? जी, काजू मगज का ग्रेवी है। और थोड़ा सा हम चिकन करी ऐड करेंगे जो हम लोग बना कर ऐड करते हैं। ये ऐड करने के बाद हम, ये चिकन का करी था ना? जी, चिकन करी का ग्रेवी था, थोड़ा इसको ऐड करिए। अब तो दो डिफरेंट जो ग्रेवी बनता है उसमें से ये बन रहा है अभी फिलहाल स्पाइसी वाला। स्पाइसी वाला बन रहा है अभी, आज जो है थोड़ा स्वीट वाला बनेगा। स्वीट एंड साल्ट, वाइट 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 में रहेगा वो। तो इधर जो है बन रहा है हमारा मटन महाराजा, और सबसे पहले ये ऐड किया गया इसमें बटर, नेक्स्ट गया जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली। और जब तक हमारा चिकन पटियाला रेडी हो रहा है, सोचा कि आपको मटन महाराजा का मेकिंग दिखा देते हैं, फिर चलेंगे बाहर और सबको एक साथ हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये क्या गया? मटन कीमा। मटन कीमा थोड़ा सा मटन राड़ा के स्टाइल का होता है क्या? रारा अलग हो गया, रारा आपको स्पाइसी रेड ब्राउन कलर में रहेगा। अच्छा। और ये हल्का येलो एंड ब्राउन के बीच में रहेगा, ये येलो मतलब शाही शाही टाइप में रहेगा, ये शाही कलर। ये भी आपका सिग्नेचर डिश है? सिग्नेचर डिश है बिल्कुल। ये वाइट ग्रेवी वही काजू मगज वाला ना? जी, काजू मगज वाला वाइट ग्रेवी हम ऐड कर रहे हैं और हल्का टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट गया टोमेटो प्यूरी। थोड़ा सा साल्ट और धनिया पाउडर, किचन किंग गरम मसाला, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, कोकोनट पाउडर और थोड़ा शुगर। कोकोनट पाउडर भी आता है? जी जी, मुगलाई डिश है, ये खाने में बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहता है। स्वीट एंड साल्ट रहता है, कितने लोग को स्वीट पसंद नहीं रहता है, लेकिन उतना स्वीट नहीं रहता है। स्वीट एंड हम लोग भी उसी कैटेगरी में है। जी जी, हम लोग को ये स्वीट बहुत पसंद है। नहीं, और हम इसमें हम मटन ऐड करेंगे जो हमने मटन बॉईल करके रखा। नेक्स्ट गया जो देसी मटन जो बनाए थे, मटन करी बनाए थे, वो वाला मटन गया? वो वाला मटन गया बस, बिल्कुल। ऑलरेडी रेडी हो चुका है, इसमें हम एक ड्रॉप यूज करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे। एक ड्रॉप ऐड करने के बाद जो है कि ये पूरी तरह से आपको मुगलाई डिश लगेगा खाने में। मुगलाई डिश का आपका आप पूरा आनंद लीजिए। अब इसमें कुछ नहीं डालना, हो गया? कुछ नहीं डालना है, बस हम क्रीम ऐड करेंगे, उसके बाद सर्व करके बॉयल अंडा देंगे सर्व करने पे। लास्ट में जाएगा थोड़ा सा क्रीम, क्रीम जाएगा बस, बाकी सब ऑलरेडी रेडी हो चुका है आपका। ठीक है, तो बस अब हम लोग चलते हैं बाहर, सीधे मिलते हैं अब टेबल। इधर हमारा जो टेबल है वो सज चुका है और आप देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग मंगाए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन है, जो सबसे पहला नज़र है वो जाता है प्रेजेंटेशन पे, और प्रेजेंटेशन तो लाजवाब है। सबसे पहले ये हो गया मटन महाराजा, चार पीस मिला है। मेकिंग आपको दिखाए थे कि किस तरीके से बनाया गया है, जो एग ड्रॉप था वो यूज़ किया गया है, और जैसा कि पता है बहुत ज़्यादा कुछ स्पाइसी ये होता नहीं है, असली स्वाद खा के पता चलेगा। नेक्स्ट ये हो गया हमारा चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी दम वाला नहीं होता है, यहाँ पैन फ्राइड होता है, बट हम ओल्ड मॉन्ग कैफ़े में चिकन बिरयानी जब भी जाते थे खाते थे और बहुत सही लगता था बिरयानी। ऑल्दो पैन फ्राइड होता है बट स्टिल टेस्ट बहुत सही लगता था, इसलिए ये चिकन बिरयानी भी ले लिए हैं एक प्लेट। नेक्स्ट जो है ये हो गया हमारा मटन, यहाँ का जो स्पेशल सा देसी मटन है, ये हम लोग का टाइप का मटन है, ये देसी मटन है, देसी स्टाइल में बनाया गया है, और चार पीस सिमिलरली इसमें भी मिलता है। और अगर रेट्स की बात करें तो ये हो गया 360 रुपीज़ का। ये जो बिरयानी आपको दिखाए हैं ये 200 रुपीज़ का है, ये क्वांटिटी आप देख सकते हैं। दो पीस होता है इसमें, दो चिकन का पीस इसमें मिलने वाला है आपको। और ये जो मटन महाराजा है ये है 380 रुपीज़ का। नेक्स्ट ये हम लोग ब्रेड लिए हैं, ये है गार्लिक नान है, और ये एक और बहुत यूनिक सर्डे, ये आप देख सकते हैं, ये है चिकन पटियाला। दो डिफरेंट टेस्ट मिलने वाला है, थोड़ा सा स्पाइसी भी और हल्का सा मीठा भी,
ये आप देख सकते हैं कि ये बीच में है ये दीवार, ये टमाटर से किया गया है सेपरेट, और ये टमाटर को ऐसे हम लोग अगर हटा दिए तो ये दीवार भी जो है ख़त्म हो गया। तो ये है वाइट ग्रेवी, ये है रेड ग्रेवी, ये होगा मीठा, ये होगा स्पाइसी। अब करते क्या है कि आराम से बैठ के हर एक आइटम को टेस्ट करते हैं और फिर जो फाइनल अपना वर्डिक्ट है वो आपको बताते हैं, क्योंकि अगर बैठ के फिर एक एक डिश को खा के टेस्ट आपको बताएं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सबको खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो सारा जो खाना है वो ख़त्म कर चुके हैं। बेस्ट डिशेस की बात करें तो स्टार्टर तो आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं, बारबेक्यू विंग्स बहुत ज़्यादा सही था, और बाकी जो स्टार्टर का रिव्यू है वो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। मेन कोर्स पे आते हैं। मटन वाले कैटेगरी में सबसे बेस्ट जो लगा वो था देसी स्टाइल का मटन, कुकर में बनाया गया था, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में बनाया गया था और बहुत अच्छा था, स्वाद उसका आ रहा था। तो कुछ घर के स्टाइल का मटन खाना है देसी मटन लीजिए, कुछ अलग ट्राई करना है तो मटन महाराजा लीजिए। थोड़ा वो डिफरेंट स्टाइल का प्रिपरेशन था, मेकिंग आपको दिखाए थे, एग ड्रॉप वगैरह यूज़ करके बनाया गया था, तो कुछ हटके था बट वो स्पाइसी साइड नहीं था, हल्का सा वो क्रीमी साइड ज़्यादा था। अब आते हैं चिकन में। चिकन में जो सबसे बेस्ट लगा वो है चिकन पटियाला। अगर पूरे मेन कोर्स के स्प्रेड में से एक डिश अगर आप हमसे पूछते हैं कि आके यहाँ क्या ट्राई करें तो हम बोलेंगे चिकन पटियाला। बहुत सही सा डिश था, बहुत यूनिक तरीके का डिश था। बेस था एक ऑमलेट का, उसके ऊपर कीमा का स्टफिंग था, दो डिफरेंट ग्रेवी का फ्लेवर एक ही डिश में मिलने वाला। आपको वाइट ग्रेवी भी था, रेड ग्रेवी भी था, और वाइट ग्रेवी भी अच्छा था, स्पाइसी नहीं था बट अच्छा था, हल्का सा कोकोनट का फ्लेवर वगैरह उसमें आ रहा था। और बाकी बिरयानी तो हम लोग ओल्ड मॉन्ग कैफे में खाते रहते हैं, वही मिलता जुलता स्वाद था यहाँ पर भी। ओवरऑल सही सा एक्सपीरियंस था कंकरबाग में, शायद ही कभी किसी रेस्टोरेंट को हम एक्सप्लोर किए होंगे, पहला एक्सपीरियंस था कंकरबाग वाले एरिया में किसी रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने का, और बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। हम लोग इंतजार में थे कुछ ढंग का मिले तो आए तो आपको इस जगह के बारे में बताएं, और ये कोई नया जगह हमारे लिए है नहीं, ओल्ड मॉन्ग कैफे में खा चुके हैं, ड्रैगन फ्लेम्स में खा चुके हैं, मिलता जुलता स्वाद, सारा जो रेसिपी जो है, जो सारा जो SOPs है सब वहीं से यहाँ लाया गया है। बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। ख़त्म करते हैं वीडियो को, आइएगा ट्राई कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, आके कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। सिंपल सा लोकेशन है, कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल के बिल्कुल सामने में मिल जाएगा, और गूगल मैप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।